भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो निषाद समाज समुदाय को आरक्षण दिलाने की लड़ाई कई दशक से जारी है, खास करके हमारे निषाद समाज के लोगों ने काफ़ी सालों से लेके चल रहे थे, और इसको लेके मैं 2015 में भी मजबूती से निषाद समाज को आरक्षण मिले, SC या ST मिले, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और ये तो 70 साल से आज़ादी के बाद ही से निषाद समुदाय के साथ कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है, और कहते हैं ना फुटबॉल के जैसे, कभी इधर से मार के उधर गोल और उधर से मार के उधर गोल, चाहे केंद्र में जिनकी भी सरकार हो। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से किया जा रहा है निषाद समाज के साथ। जब देश संविधान से चल रही है तो निश्चित तौर पे बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी आगे भी हमारी पार्टी का प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए आने वाले समय में हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, और निषाद समाज को उचित हक जो अधिकार है वो हम दिला के रहेंगे। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, निषाद समुदाय का हक और अधिकार है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आने वाले समय में, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्योंकि निषाद समुदाय के ही सहयोग से लड़ाई लड़ते लड़ते आज समाज ने इस जगह तक, मुकाम तक हमें पहुंचाया है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लड़ाई लड़कर वहां तक भी पहुंचेंगे, और वहां पे अपनी बात को मजबूती से रखकर और निषाद समुदाय के लिए आरक्षण दिलाएंगे। निश्चित तौर पे देखिए, हमने पिछले महीने ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमने मुलाकात किया था, ये आरक्षण के लेके हमने विशेष उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बंगाल चुनाव के बाद इस पे गंभीरता से लेंगे, लेकिन हमें कल जो पता चला है कि केंद्र में इस पे टिप्पणी दिया गया है कि कुछ मापदंडों में ये नहीं पाया जा रहा है, इसके लेके उनको खारिज करने की बात रखी गई है, लेकिन आने वाले समय में इसको हम लोग और तेजी से लड़ाई लड़ेंगे, और जरूरी पड़ा तो पटना से दिल्ली तक हम अपनी लड़ाई को आते। समाज को पूरे बिहार में पता है, समाज के साथ मजबूती से है, और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। मैं सत्ता में भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो हमेशा हमारा एक ही आस्था है कि निषाद समाज को उचित हक और अधिकार मिले, उनको जो आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ठीक करना, उनका जो अधिकार है आरक्षण वो दिलाना, ये सारे मुद्दे को लेकर हमेशा हम गंभीर हैं, और जब भी उनको लगेगा तभी मैं अपनी कुर्सी छोड़। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।